किसान भाइयों, जैविक खेती देसी गाय पालन चलन में आपका स्वागत। आज हम आपको बारहमासी कागजी नींबू का पेड़ तैयार करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप इस प्रकार से पत्ते की मदद से भी पेड़ तैयार कर सकते हो और पोट में लगाकर हमेशा नींबू प्राप्त कर सकते हो। ये नींबू की बढ़िया वेराइटी है जिसमें बारहमासी नींबू प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पेड़ को बना सकते हो बिना स्क्रिप्ट के। हमारे वीडियो को देखिए और इस प्रकार से आप नया पेड़ तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक पत्ती लेनी है और एलोवेरा जेल लेना है, एलोवेरा लेना है और इस प्रकार से उसको पत्ती को इस प्रकार से हटाना है। जो एलोवेरा नींबू इस प्रकार से आपको जो टमाटर है उसको ऊपर की तरफ से चक्कू की मदद से आपको काटना है और उसके बाद में इस प्रकार से उसका आवरण हटाना। अब एलोवेरा के ऊपर का आवरण हटाना आपको और इसकी जो जेल है वो आपको लगानी है। इस प्रकार से इसका ऊपर का आवरण आप चक्कू की मदद से हटा दीजिए। हटाने के बाद में जो इसका रस है वो आप इस प्रकार से टमाटर के अंदर डालिए ताकि फंगस ना हो। इस प्रकार से आपको नींबू का ये हिस्सा वाला काटना और इसके ऊपर इस प्रकार से आपको एलोवेरा जेल लगानी और इसके ऊपर इस प्रकार से आपको रखना। रखने के बाद में आप कोकोपीट डालनी और ऊपर का सिर आपको इस प्रकार से रखना और इसमें प्रॉपर तरीके से पानी देना। और इस प्रकार से आपको बोतल से कवर करना और 20 से 25 दिन बाद में आप देखेंगे। जो हमने पेड़ लगाया, जो हमने नींबू रखा है उसमें अंकुरण हो गया है और दो पत्तियां हो गई और इस प्रकार से आपको इसकी मदद से आपको निकालना। इसमें नई जड़ें आ गई और इसको पानी की मदद से इस प्रकार से आपको भिगोना। अब आपको एक पोट लेना है जिसको नीचे की तरफ से कवर कर देना और उसमें मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट और थोड़े केले के छिलके लेने जो खाद का काम करेंगे। छिलकों को इस प्रकार कैंची की मदद से आपको काटना, इससे कैल्शियम और पोटेशियम बढ़िया मात्रा में होता है और उस प्रकार से जो हमने जड़ तैयार की है वो इस प्रकार से इसमें लगा देनी है आपको और पानी देना। लगाने का काम आपको शाम के समय करना है ताकि पौधा स्ट्रेस तनाव में ना आए और बढ़िया मात्रा में इसमें पानी देना फवारे से। 40 से 50 दिन बाद में देखो कि आप इसमें पॉट में बढ़िया बड़ा हो गया और चार चार पांच पांच पत्तियां हो गई। प्रॉपर तरीके से इसको स्टोर करना। अभी इसमें आपको लिक्विड खाद देना, लिक्विड खाद देने का काम आपको ये मौसमी लेनी है और मौसमी को बीच में से काटना, काट कर ये हल्का निचोड़ना है इसको, इसका रस निकालना आपको। रस निकाल कर इसमें बूस्ट डोज के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पेस्ट डालना है, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट और इसमें स्प्रे में लेना। आप ये दोनों में काम में ले सकते हो, स्प्रे में काम में ले सकते हो और इसको डिंचिंग के रूम में काम में ले सकते हो। अभी हम इसका स्प्रे करेंगे और डिंचिंग करेंगे और जो छिलके हैं इसके दोनों तरफ इस प्रकार से लगाना है ताकि ये खाद का काम कर सके। खाद का काम कर सके
दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, चैनल पे नहीं है तो चैनल बेल आइकन घंटी को, मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक ले स्वस्थ रहे, मस्त रहे।